ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो आज हम लोग सेम चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दैट इज चैप्टर टू ऑफ क्लास 11, उसी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इसमें आज जो हम शुरू करेंगे वो बैक्टीरिया टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, बैक्टीरिया, ओके। और इस बैक्टीरिया में हम जिस सब टॉपिक को आज यूज करेंगे, पढ़ेंगे, सबसे पहले है ऑकरेंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है? ऑकरेंस। ऑकरेंस का मतलब होता है कि बैक्टीरिया कहां कहां पाया जा सकता है, वेयर इट इज अवेलेबल, ओके। तो लिखेंगे इट इज कॉस्मोपॉलिटन, इन डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉस्मोपॉलिटन? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है वेर एवर द लाइफ इज पॉसिबल, वेर एवर द लाइफ इज पॉसिबल दैट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ दैट इज इन ऑल प्लेसेस, ओके, इन ऑल प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड, दैट इज इन ऑल प्लेसेस वेयर ऑर्गेनिज्म कैन बी फाउंड, ओके, इन वाटर, इन सॉइल, इन एयर, ठीक है। वाटर में, सॉइल में, एयर में, उसके साथ क्या होगा? ओवर एंड इनसाइड, ओवर एंड इनसाइड, ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर, ओवर एंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो बोला गया इट इज कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स इट इज फाउंड इन ऑल प्लेसेस where organism can be found, that is in water, in soil, in air, over and inside the body of various organisms. So this is the occurrence of bacteria, okay. Now जब हम जान गए कि occurrence क्या है, मतलब हर उस जगह पाया जा सकता है जहां पे life possible है। Next is size. साइज साइज क्या होगा? तो द बोलो सर, वीडियो बहुत ब्लर आ रहा है, ब्लर आ रहा है, देखते हैं, रुको। हाँ कल करवाएंगे, रुको ना, वीडियो भी ठीक हो जाएगा। वो वाईफाई गलती से बंद कर दिए थे, बहुत बड़ा इशू है। देखो आप वीडियो इम्प्रूव हुआ, हाँ, हो गया। है ना, वो नेट पे पढ़ा रहे थे गलती से, ठीक है। साइज, साइज क्या होगा? द एवरेज साइज ऑफ अ बैक्टीरिया, द एवरेज साइज ऑफ अ बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम
2 to 2.6 μm इन लेंथ. लंबाई कितना होगा 2 to 2.6 μm इन लेंथ एंड 1 and 1.1 ठीक है एंड 1.1 to 1.5 μm इन ब्रेथ एंड 1.1 to 1.5 μm इन ब्रेथ ठीक है. अब देखो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल रेंजेस स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल रेंजेस फ्रॉम 100 to 200 nanometer यानी 0.1 to 0.2 μm ठीक है. अब द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया रेंजेस फ्रॉम या ये रेंजेस छोड़ दो लिखो द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बिलोंग्स टू स्पाइरोकीट ठीक है. स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में से एक है स्पाइरोकीट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं रीच अ साइज अप टू 500 μm. मैक्सिमम ब्लू ग्रीन एल्गी कितने साइज तक चला जाता है जो कि स्पाइरोकीट और ब्लू ग्रीन एल्गी मैक्सिमम साइज जो जाता है वो 500 मिलियन तक ठीक है. अब लार्जेस्ट में क्या आएगा लार्जेस्ट में आएगा बिगोसिया मिराबिलिस ठीक है और एक आएगा रैम्बियंस जो 750 मिलियन तक चला जाता है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बैक्टीरिया में आता है ठीक है. लिखेंगे फिलामेंटस बैक्टीरिया एग्जाम्पल बिगोसिया ठीक है. बिगोसिया मिराबिलिस मिराबिलिस ये हो गया जेनस ये हो गया स्पीसीज ठीक है. बिगोसिया मिराबिलिस उसके बाद क्या होगा मैरीन बैक्टीरियम मैरीन बैक्टीरियम इसका नाम थियोमार्गेसिया थायो मार्गेसिया हाँ थायो मार्गेसिया रैम्बियंसिस रैम्बियंसिस ठीक है. ये सब नीट के लिए लिखा रहा है एनसीईआरटी की इतना जरूरत नहीं है इतना पूछेगा भी नहीं इसको रैम्बियंस ठीक है. रीचेस अ साइज अप टू 750 μm यानी बेसिकली जो एवरेज साइज है ठीक है जो एवरेज साइज है किसी भी बैक्टीरिया का ठीक है वो रेंज करता है 2 से 2.6 μm तक और इसका ब्रेथ है 1.1 से 1.5 μm तक. नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट बैक्टीरियल सेल है ये रेंजेस इसका कितना है 100 टू 200 μm और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया में एक कॉमन नाम क्या है स्पाइरोकीट और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया के नाम से. इसका साइज मैक्सिमम जाएगा तो कितना जाएगा 500 μm. अब फिलामेंटस बैक्टीरिया ठीक है जैसे कि बिगोसिया मिराबिलिस और मैरीन बैक्टीरियम
ठीक है, जैसे कि थियोमार्गेसिया रेम्बियंस, इसका मैक्सिमम साइज कहां तक जाता है? 750 मीएम तक। ये स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट में से है, ये डाटा तुमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। यहां तक सबको समझ आया? ठीक है, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा नीट में, वो है द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। एक है ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड साइज, और एक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। बोलो। फिलामेंटस तो बड़ा तो है, 750 एम तक है, तभी ना समझ लीजिए, ये लार्जर में आ गया ना, ये छोटा में आ गया दोनों, स्पायरोकीट और ब्लू साइनोबैक्टीरिया, समझ गए? तो नहीं समझी, फिलामेंटस बैक्टीरिया एक हो गया, एक जो मैरीन बैक्टीरिया में थिगोमार्सियर एम्बियंस, ये दोनों का साइज नॉर्मल बैक्टीरिया से ज्यादा होता है। नॉर्मल जो बैक्टीरिया वो स्मॉलेस्ट होता है, इसका साइज मैक्सिमम 500 म्यूएम से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन ये दोनों एक्सेप्शनल केस है जिसका साइज मैक्सिमम 750 म्यूएम तक चला जाता है, इसलिए लोगों अलग से लिखे, समझ गए? हाँ ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट, पढ़ेंगे सेप। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरिया में सेप। सेप सेप में इन सेप बैक्टीरियल सेल आर ऑफ मेनी टाइप्स। इन सेप बैक्टीरियल सेल आर ऑफ मैनी टाइप्स। बैक्टीरियल सेल बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, सबसे पहला आधार क्या, व्हाट इज द बेसिस, फर्स्ट क्लासिफिकेशन का बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप में पहला होगा कोकस। कोकस, कोकस बैक्टीरिया किसको कहा जाएगा, जो स्फेरिकल या ओवल होगा आउटलाइन में, स्फेरिकल और ओवल इन आउटलाइन, ठीक है, स्फेरिकल और ओवल इन आउटलाइन, ये हो गया कोकस। अब डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुपिंग, ये किस ग्रुप में पाया जाएगा, किस किस ग्रुप को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, दे आर कॉल्ड, अब देखो दे आर कॉल्ड, ठीक है, पहला अगर ऐसा है एक सिंगल कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, मोनोकोकस, मोनोकोकस दैट इज ऑकर सिंगली, अकेली, ठीक है, अब यही मान लो कोकस डबल है तो क्या लिखेंगे, डाइकोकस दैट इज ऑकरिंग इन पेयर, ऑकरिंग इन पेयर, ठीक है, अब मान लो ये चार है तो लिखेंगे टेट्राकोकस दैट इज फोर इन नंबर, फोर इन नंबर, ठीक है, अब इस तरह से आएगा,
इसको क्या लिखेंगे? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस दैट इज ऑकरिंग इन चेन, ऑकरिंग इन चेन, ये हो गया स्ट्रेप्टोकोकस. नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस, थ्री डायमेंशनल ग्रेप जैसा होगा, अंगूर जैसा है ना, इसको लिखेंगे स्टेफाइलोकोकस. दैट इज क्या? इरेगुलर ग्रेप लाइक, इरेगुलर ठीक है, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर. और नेक्स्ट ठीक है, ये होगा थ्री डायमेंशनल, थ्री डी स्ट्रक्चर, थ्री डी अरेंजमेंट होगा किसका? कोकस का. इसको बोलेंगे सरकाइना. ठीक है, तो इतने तरह का कोकस होता है. बेसिकली कोकस का शेप क्या है? स्फेरिकल या ओवल. अगर ये अकेले है तो किस क्या बोले इसको? मोनोकोकस. अगर ये पेयर में है ठीक है, डाइकोकस लिख, डाइप्लोकोकस लिख, डाइप्लोकोकस. अगर ये चार है तो टेट्राकोकस. चेन में है स्ट्रेप्टोकोकस, है ना, मोती के माला जैसा. अगर ये ग्रेप जैसा है तो स्टेफाइलोकोकस. अगर ये थ्री डी स्ट्रक्चर में है तो सरकाइना. इतने तरह का अरेंजमेंट होता है कोकस का. इसमें से कोई भी एक फॉर्म बना दिया तुमसे नीट में क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन सा टाइप है, तुमको ये आंसर लिखना है. यहां तक समझ आ गया सभी को? अंजलि, ईशा, शुभम, ठीक है. अब देखो ये तो हो गया कोकस. अब कोकस के बाद आता है बैसिलस. सेकेंड है बैसिलस, ठीक है. बैसिलस क्या होगा? ये हो जाएगा, लैटिन वर्ड है बैसिलस, जिसका मतलब होता है स्मॉल रॉड. हम स्ट्रक्चर बना के भी दिखा देते हैं. सबसे पहले द बैक्टीरियम इज स्ट्रेट एंड सिलेंड्रिकल लाइक. द बैक्टीरियम इज स्ट्रेट एंड सिलिंड्रिकल लाइक. बैक्टीरियम स्ट्रेट है और सिलिंड्रिकल है, ठीक है. और इसका जो एंड है, दोनों तरफ का जो आखिरी छोर, जैसे ये मान लो मेरा बैक्टीरियल शेप है, तो इसका दोनों जो एंड है, या तो ये फ्लैट होगा दोनों साइड, या तो ये राउंडेड होगा या सिगार शेप्ड होगा, ठीक है. और लिखेंगे सिलिंड्रिकल लाइक अ रॉड विथ इट्स एंड. इसका जो आखिरी छोर क्या होगा? एंड्स बीइंग फ्लैट राउंडेड और सिगार शेप्ड, फ्लैट राउंडेड और सिगार शेप्ड, ठीक है. इसमें क्या होगा देखो, इट हैज थ्री स्पेशल टाइप्स. इसमें तीन स्पेशल टाइप है, क्या किया वो समझ लो. पहला डायप्लोकोकस, मतलब ये इस तरह से होगा, जैसे ये हो गया रॉड सेपरेट, ये दोनों आपस में जुड़ा. जैसे देखो एक बार फिर से बता, जैसे बैसिलस है तो पहले तो ये हो गया लॉन्ग और सिलिंड्रिकल, ठीक है. अब इसका एंड तीन तरह का हो सकता है, एक फ्लैट ऐसे, दूसरा अगर इसको हटा दो तो राउंडेड ऐसे,
और तीसरा क्या हो सकता है, सिगार सेप, इस तरह से। तो ये तीनों में से कोई भी एक सेप का होगा बैसिलस। तो हम लोग बेसिकली इसको क्या माने, इसका एंड जो है यहां पर हम लोग मान रहे हैं राउंडेड है। तो अगर दो बैसिलस है तो डायप्लो बैसिलस, ठीक है, डायप्लो बैसिलस होगा। बोलो कुछ गलत है तो, अब दूसरा क्या होना चाहिए बोलो। देखो दूसरा फिर चेन में होगा, अभी बताए थे ना, उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टो बैसिलस। स्ट्रेप्टो बैसिलस, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या हो गया, चेन, इस तरह से होगा। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोबैसिलस के बाद क्या होगा, स्टैक, एक के ऊपर एक रहेगा, ठीक है, वो हो गया पैलिसेड, पैलिसेड बैसिलस, ठीक है। पैलिसेड बैसिलस में क्या होगा, ठीक है, पैलिसेड बैसिलस, ये हो गया लाइक ए स्टॉक, जैसे माचिस का तिल्ली के ऊपर एक रहता है ना, मैस्टिक्स, उसी तरह से है लाइक ए स्टॉक। तो ये तीन तरह का बैसिलस बैक्टीरिया का अरेंजमेंट है। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब बैसिलस के बाद क्या होगा, स्पाइरिलम, जो कॉर्क के स्क्रू जैसा, ये हम लोग स्प्रिंग में लगाते हैं, जो पेन के अंदर स्प्रिंग लगाते हैं उसके जैसा होगा। सी स्पाइरिलम, स्पाइरिलम में क्या होगा, इट कॉइल, इट कॉइल्स लाइक ए कॉर्क स्क्रू, ये कॉर्क के स्क्रू जैसा देखने में लगेगा, ठीक है। इसका ही एग्जाम्पल होगा, नाम पढ़ाए थे ना तुम लोगों को, स्पाइरोकीट, ठीक है, ऐसे होगा। देखो ये हो गया स्पाइरो, ठीक है। फोर्थ हो गया विब्रियो, कॉमा जैसा होगा, कॉमा सेपरेट, विब्रियो, इसमें क्या लिखेंगे, द बॉडी ऑफ द बैक्टेरियम, द बॉडी ऑफ द बैक्टेरियम इज लाइक अ कॉमा, ठीक है। उसके बाद कर्व रॉड, तो रॉड से बना थी, यही थोड़ा घूम गया, या तो कर्व रॉड बोल सकते हैं और सिंगल टर्न ऑफ अ स्पाइरल, ठीक है। एग्जांपल क्या होगा, विब्रियो कॉलेरी, तो ये ऐसे होगा, ये हो गया विब्रियो यानी कोमा जैसा, है ना, ठीक है। तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, अभी दो बचा और, स्टॉक्ड और बडेड। यहां तक समझ आ गया टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में, कौन वाला बोलो। देखो विब्रियो कुछ नहीं है, ये कोमा से बैठ, हम लोग कोमा ऐसे बनाते हैं, तो बोला गया कि विब्रियो क्या है, एक्चुअली ये बेसिकली कॉमा सेपेड है, ठीक है, या जो रॉड है, अगर रॉड थोड़ा सा ऐसे ही बेंड हो जाए तो कर्व रॉड है, या सिंगल टर्न, देखो स्पाइरिलम में एक से ज्यादा टर्न होता है, लेकिन अगर सिंगल टर्न हो जाता है बैक्टीरिया में, स्पाइरिलम बैक्टीरिया में, तो यही क्या हो गया, विब्रियो, समझ आया। तो विब्रियो का बेसिक सेप कॉमा सेपेड, तुम कॉमा देते हो ना जी, ऐसे ऐसे, अब इसी को थोड़ा मोटा कर दो, ये हो गया विब्रियो,
समझ आया? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉलेरा जो कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरी, वो बैक्टीरियम किसका एग्जांपल है? विब्रियो यानी कॉमा सेपेट बैक्टीरिया का। समझ आया? और किसी को पूछना है कुछ? ठीक है अंजलि, अब देखो अब दो बचा और, स्टॉक्ड और बैसिलस। स्टॉक बैसिलस हो गया, स्टॉक्ड और बडेड। स्टॉक्ड पांच, फिफ्थ स्टॉक्ड। ठीक है तो लिखेंगे द बैक्टीरियम पोसेस अ स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है हैंडल, या जिसको हम हिंदी में डंठल बोलते हैं। द बैक्टीरियम पोसेस अ स्टॉक। ठीक है इसके एग्जांपल कोलोबैक्टर, कोलोबैक्टर। अब देखो ये इस तरह से हो, ये जो रॉ मान लो ये बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, इसमें ये जो स्टॉक आ गया, डंठल आ गया, इसलिए इसको स्टॉक कहा गया। ठीक है और लास्ट है बडेड। बड का मतलब क्या होता है? टेन में पढ़िए, बड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्स्ट्रा ग्रोथ। जब एक बैक्टीरिया बहुत सारी जगह में थोड़ा थोड़ा करके स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा, दैट इज कॉल्ड बडेड। क्या लिखेंगे? द बैक्टीरियम इज सोलेन एट प्लेसेस। बैक्टीरियम इज सोलेन एट प्लेसेस। एग्जाम्पल रोडो माइक्रोबियम, रोडो माइक्रोबियम। यहां पर क्या होगा? जैसे ये बैक्टीरिया है, ठीक है, अब इसमें अलग अलग स्वेलिंग होगी। ठीक है तो ये जो स्वेलिंग हुआ दैट इज कॉल्ड बडेड। ठीक है तो स्टॉक और बडेड यानी टोटल सिक्स टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। कंप्लीट, समझ आया? यस सर। ठीक है अब देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। On the basis of presence, ठीक है, on the basis of, उसका छोड़ दो, राइट लिख दो, on the basis of flagella। यह है सेकेंड टाइप बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना। ठीक है तो लिखेंगे depending upon the presence or absence, depending upon the presence or absence of bacteria, depending upon the presence और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला। ठीक है बैक्टीरिया एब्सेंट होगा तो लिखेंगे एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू, बैक्टीरिया आर ग्रुप इनटू फ्लैजेलेट एंड
नॉन फ्लैजलेट टाइप्स अब द वेरियस फॉर्म द वेरियस फॉर्म आर एस फॉलोज आर एस फॉलोज. यहां पे जो हम बैक्टीरिया का टाइप दिखा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, यहां पे हम आइडियल कौन से को मान लिए, मान लिए बैसिलस को. ठीक है, तो एक ऐसा बैसिलस है जिसमें बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला, बैक्टीरिया में कोई फ्लैजेला नहीं. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है एट्राइकस, ए ट्राइकस. ठीक है, अब दूसरा. ठीक है, फ्लैजेला क्या लिखेंगे, सिंगल फ्लैजेला एट वन एंड, किसी एक एंड में, एक और दो, दो ही तो छोर है, तो किसी एक एंड में एक फ्लैजेला है, इसको क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस. तीसरे में आप वन फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों एंड में एक एक फ्लैजेला है, इसको क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस. ठीक है, अब मान लो फिर से एक बैसिलस बैक्टीरिया बना है और एक ही एंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है, इसको क्या बोलेंगे, सीफेलोट्राइकस. ठीक है, अ ग्रुप और टफ्ट ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है ठीक है, लेकिन किधर है, एट वन एंड. ठीक है, इसको बोलेंगे सीफेलोट्राइकस, सीफेलो ट्राइकस. अब आ जाओ इसी के एक्सट्रीम फॉर्म में, यहां लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ, या टफ्ट नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड, दोनों तरफ ग्रुप ऑफ फ्लैजेला है दोनों तरफ, इसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस, लोफोट्राइकस. ठीक है, और नेक्स्ट ठीक है, फ्लैजेला ऑल ओवर द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, पूरे बॉडी में फ्लैजेला होगा. ठीक है, तो लिखेंगे फ्लैजेला डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी सरफेस, फ्लैजेला पूरे बैक्टीरिया के बॉडी सरफेस में फैला हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेरिट्राइकस, पेरिट्राइकस. ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ फ्लैजेला. ठीक है, फ्लैजेला के आधार पर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया के बॉडी में कोई भी फ्लैजेला नहीं है, बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजेला,
तो उसको बोलेंगे एट्राइकस। बैक्टीरिया किसी एक एंड में एक फ्लैजला है, सिंगल फ्लैजला एट वन एंड, मोनोट्राइकस। बैक्टीरिया के दोनों एंड में एक एक फ्लैजला है, एम्फीट्राइकस। बैक्टीरिया के एक ही एंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजला है, ग्रुप और टफ्ट ऑफ फ्लैजला, सिफेलोट्राइकस। दोनों एंड में ग्रुप ऑफ फ्लैजला है एट बोथ एंड, लोफोट्राइकस। और बैक्टीरिया के पूरे बॉडी में फ्लैजला है थ्रू आउट द बॉडी सरफेस, दैट इज कॉल्ड पेरिट्राइकस। ओके, देखो फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, कल भी बताए थे कि किसी भी जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया मूव कैसे करेगा, दे मूव बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, फ्लैजेला, सीलिया एंड सीडोपोडिया। दीज आर द थ्री लोकोमोटरी ऑर्गन। लोकोमोटरी मीन्स द ऑर्गन थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मूव, स्पेशली जो लोअर ऑर्गेनिज्म होता है जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, दे आर मूविंग थ्रू द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, थ्रू द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, सीलिया और सीडोपोडिया। तो फ्लैजेला यहाँ पे बैक्टीरिया का लोकोमोटरी ऑर्गन है, जैसे हम लोग का पैर है ना चलने के लिए, बैक्टीरिया के मूवमेंट के लिए फ्लैजेला है, ठीक है। अब फ्लैजेला के प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर हम उसके टाइप्स को बताएं, समझ आया? Yes, sir. और किसी कुछ पूछना है? ठीक है इरशाद। Yes, sir. अब देखो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग, ठीक है। देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेन। एक्चुअली क्या था कि बैक्टीरिया का शेप बहुत ही सिंपल था, एक तो उसमें सेल बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, दूसरा उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, तो बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान नहीं था। इसलिए क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा, स्टेनिंग मतलब होता है रंग करना, स्टेनिंग टेक्निक के द्वारा बैक्टीरिया को दो ग्रुप में बांटा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। कैसे बांटा, क्या कैरेक्टर है वो देखो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग। ठीक है देखो, द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया। ये जो ग्रुपिंग है ग्राम स्टेनिंग में, ग्राम बैक्टीरिया का दो पार्ट में, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये जिसके ऊपर बेस्ड है रिएक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, टू ग्राम्स स्टेन गिवेन बाय क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम इन एटीन एटी फोर, ठीक है। अभी कैसे किया वो स्टेप्स को देखो ग्राम स्टेनिंग का। पहले बैक्टीरिया या बैक्टीरियल सेल आर, ठीक है, स्टेन्ड विथ, स्टेन मतलब रंग, स्टेन्ड विथ किससे, वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ
क्रिस्टल वायलेट। ये क्रिस्टल वायलेट से सबसे पहले बैक्टीरियल सेल को रंगा जाता है, स्टेनिंग किया जाता है। क्रिस्टल वायलेट या और एक है, ठीक है, और जिलेटिन वायलेट। जिलेटिन वायलेट क्या होगा? ऑल द बैक्टीरियल सेल अपीयर ब्लू इन कलर। सभी बैक्टीरियल सेल किस कलर का हो जाएगा? ब्लू इन कलर। कब हो जाएगा? जब बैक्टीरियल सेल को स्टेन किया जाएगा क्रिस्टल वायलेट या जिलेटिन वायलेट से, जो कि एक वीकली एल्कलाइन सॉल्यूशन है। यह है पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होगा? देन दीज बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विथ 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद इस बैक्टीरियल सेल को, जो कि ऑलरेडी ब्लू कलर का हो गया है ड्यू टू क्रिस्टल और जिलेटिन वायलेट, उसके ऊपर क्या अप्लाई करो? 0.5% आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? देन रिंस्ड विथ वाटर। देखो हम यहां पे वॉश विथ वाटर नहीं लिखे, हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? रिंस विथ वाटर। रिंसिंग और वॉशिंग में तुलना है। जैसे देखो कॉमन एग्जांपल दे रहे हैं, ये जो पेन है मान लो ये ब्लैक वाला बैक्टीरियल सेल है जो कि कलर्ड है। अब ये मिनल है, अब मान लो तुम अगर डायरेक्टली इसके नीचे रखोगे बैक्टीरियल सेल को तो पानी का धार तो इसको सबको बहा के ले जाएगा, तो फिर तुम्हारा तो एक्सपेरिमेंट क्या है? रिंसिंग का मतलब होता है कि हम डायरेक्टली जहां पे स्मेयर है, जहां पे बैक्टीरियल सेल कलर्ड है, उसको पानी के नीचे नहीं रखेंगे, उसका टिप को इस तरह से रखेंगे ऑब्लिक। 99% पानी नीचे पड़ेगा, जो थोड़ा यहां टकराएगा हल्का हल्का इसको धोएगा, दैट इज कॉल्ड रिंसिंग, ठीक है। तो रिंस विथ वाटर। अब इसके बाद फोर्थ स्टेप क्या होगा? नाउ द बैक्टीरियल सेल, ओके, आर क्या करेंगे? अल्कोहल से। नाउ द बैक्टीरियल सेल आर ट्रीटेड विथ एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन। फाइनली क्या कर रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल को ट्रीट कर रहे हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल और एसीटोन, ठीक है। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट दो में से कोई एक होगा, ठीक है। फर्स्ट बैक्टीरियल सेल रिटेन ब्लू कलर, बैक्टीरियल सेल ब्लू कलर को रिटेन कर रहा है, मतलब अल्कोहल डालने के बाद भी शुरुआत में जो बैक्टीरियल सेल में ब्लू कलर आया था वो रह गया, वो हटा नहीं, तो ऐसा बैक्टीरियल सेल को बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जबकि दूसरा क्या होगा, ठीक है, बैक्टीरियल सेल बिकम कलरलेस। बैक्टीरियल सेल बिकम कलरलेस, जब वो कलरलेस हो जाएगा
कब कलरलेस होगा? जैसे ही बैक्टीरियल सेल में एब्सोल्यूट एल्कोहल या जिसको हम एसीटोन बोल रहे हैं वो डालेंगे, तो ऐसे ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। अब जब ये हो गया तब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन ये है कि कुछ बैक्टीरियल सेल में जब हमने इस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को डाला जिसका नाम एसीटोन है या एब्सोल्यूट एल्कोहल है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी ब्लू कलर का था बाद में भी ब्लू कलर रहा, लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल में जब डाले तो वो तुरंत कलरलेस हो गया, उसका ब्लू कलर हट गया। तो ब्लू कलर हटा क्यों और उसको किस बेसिस पे हम ग्राम नेगेटिव बोले? जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड होता है, और लिपिड का एक नेचर होता है दे गेट डिसॉल्व, वो धुल जाता है इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। लिपिड जैसे ही ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आता है वो वॉश अवे, वो धुल जाता है, और इसलिए तुम्हारा ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन आएगा, यहां तक समझ आया? आयोडीन सॉल्यूशन जब तुम डाली ना तो ये ब्लू कलर और स्ट्रांगली हो गया और डार्क हो गया, समझ गए? क्योंकि उसके बाद तुम जब रिंसिंग करेगी तो थोड़ा सा रंग धुलेगा बट वो ब्लू कलर मेंटेन रहेगा, क्लियर? लेकिन बैक्टीरियल ये जो तुम्हारा सुनो, हाँ, ये जो फोर्थ स्टेप में हम लोग एब्सोल्यूट एल्कोहल यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को जो डाले, ये सिर्फ एक ही पर्पस के लिए डाले, पता लगाने के लिए जो बैक्टीरिया है वो ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अगर बैक्टीरिया सेल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में आते ही सेल वॉल का रंग हट जाता है, मतलब सेल वॉल में लिपिड का परसेंटेज हाई है, और अगर सेल वॉल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के कॉन्टेक्ट में आने के बावजूद वो धुलता नहीं है, उसका कलर एज इट इज रहता है, दैट मीन्स ब्लैक जो सेल वॉल है बैक्टीरिया का उसके सेल वॉल में लिपिड है बट इट इज इन वेरी लो परसेंटेज, समझ आया? ठीक है, अब देखो जिसका एक क्वेश्चन है वो लिख देते हैं। क्वेश्चन है व्हाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बिकम कलरलेस, यही क्वेश्चन है। आंसर होगा, ठीक है, वॉशिंग ऑफ स्ट्रेन एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड। ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उसके सेल वॉल में हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड होता है, या बोल सकते हैं हाई लिपिड यानी फैट कंटेंट होता है। तो हाई लिपिड कंटेंट होने के कारण क्या होता है इन सेल वॉल, इन सेल वॉल ये जैसे ही, ठीक है, विच गेट डिसॉल्व, कौन धुल जाता है? लिपिड। विच गेट डिसॉल्व और लिपिड गेट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और लिपिड गेट डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन, लाइक एसीटोन। ये हो गया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कलरलेस क्यों है, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हाई परसेंटेज ऑफ लिपिड पाया जाता है, और लिपिड बहुत ही सेंसिटिव होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे हम लोग यहाँ एसीटोन डाले थे,
वो लिपिड के कांटेक्ट में आया बैक्टीरियल सेल वॉल का, लिपिड वॉश अवे, लिपिड तुरंत धुल गया, और जिसके कारण बैक्टीरिया क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल वॉल कलरलेस हो गया। समझ आया? ठीक है इरशाद, समझ आया? ठीक है, तो ये आज से इतना ही। ठीक है बोलो। इरशाद कुछ बोल रहा था? ठीक है, तो आज के बाद क्लास सेम शाम को, परसों कल रिवाइज करेंगे 5 से 6। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।